मैडम तनप्रीत कौर लावा जी आईपीएस डीआईजी रिजना रेंज मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने प्रभु का खाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां दो पल की थी ये दिलों की दास्ता और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां एक हल्की मजा आ रहा है आपका गाना सुन के पहले भी बहुत अच्छा लगा आज और अच्छा लगा गॉड ब्लेस यू बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहो रघुवर तेरे राह निहारे रघुवर तेरे राह निहारे सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया ओरे पिया ओरे पिया है ओरे पिया मैं बाबूला रे आई वुड लाइक टू हैव दिस कमेंट वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की है इसकी परफॉर्मेंस में नाउ आई कैन से दैट दिस इज अ रिफाइंड वे ऑफ डांस दुश्मन दी बात लिखाने भारत दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए साडी शान तरंगे ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो सानू जिंद जान तो प्यारी दुनिया दे हर इक झंडे ते साडा इक तिरंगा भारी सबको नमस्कार आई एम वेरी थैंकफुल उस दिन के लिए जब लोधी क्लब को इश्मीत सिंह म्यूजिक एकेडमी के साथ जुड़ने का मौका मिला सो इट वॉज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने क्लब मेंबर्स को उनकी फैमिलीज को उनके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पर वो अपना जो टैलेंट है दिखा भी सके और फर्दर उसे ग्रूम भी कर सके सो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर साहब की जो हमारे क्लब के मेंबर्स को ग्रूम कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आके यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे कैसे बच्चे जो हमारे हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको हम लोग किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे सो इट्स वेरी गुड थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सबको मेरी प्यार भरा नमस्कार
मैं कुछ कहना चाहूँगा इश्मीत सिंह म्यूज़िक अकेडमी को लेके। खैर, ये एक बहुत छोटा सा एक सीड था जो सो किया गया, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर साहब ने उसको टूवर्ड्स, मतलब कि उसको अच्छे से ग्रूम करके, अच्छे से उसको नरिश करके एक बहुत ही खूबसूरत पौधा बनाया है। और मैं ये समझता हूँ, वो कहते हैं ना, हर एक बागबान के पीछे कोई ना कोई एक अच्छा माली होता है ना। सो ये जो आपका ये बागबान ऐसे आपने नरिश किया है, उसके लिए हम नहीं, तहे दिल से आपका पूरे का पूरा लुधियाना शहर आभारी रहेगा हमेशा से। और जिस तरह से आप इसको चला रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, आई ऑलवेज सी डॉक्टर साहब हमेशा न्यू आइडियाज़ के साथ मेरे साथ डिस्कस जब करते हैं कि आप नितिन जी से बात करें। मैंने कहा नितिन जी से मैं क्या बात करूं, वो तो खुद इतना कल्चर को लेके प्रमोट करना चाहते हैं हमेशा से ही, हर चीज़ को। इनफैक्ट अभी हम गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे कि वी आर प्लानिंग सम अंताक्षरी कॉम्पिटिशन फॉर आर सीनियर सिटीजन मेम्बरशिप्स इन कलेबोरेशन विद इश्मीत सिंह म्यूज़िक अकेडमी। तो मेरे को बोलते कि यार ये तो हो गया, अब आगे क्या। मैं कहा जी पहले इसको हो लेने दें, फिर उसके बाद वील हैव अनदर मीटिंग विद डॉक्टर साहब, सो वी कैन गो हेड विद इट। सो बहुत बहुत मुबारकें डॉक्टर साहब आपको, सभी यहाँ पे मौजूद जिन्होंने परफॉर्म किया है। समझता हूँ डॉक्टर साहब, जो आप ये रेगुलर कोर्सेज रखते हैं, है ना, जो स्टेज परफॉर्मेंसेज, वो कहते हैं स्टेज फियर, यहाँ आके अच्छे अच्छों के पैर कांपते हैं, वहाँ बैठ के बात करना बहुत आसान है, और यहाँ पे जब आप एक ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और सर्टनली आप उस स्टेज पे आते हैं कि जब आप ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के परफॉर्म कर सकें, तो वो एक सच्चा जो फियर निकलता है, और वो जो एक ग्रूमिंग है, वो मैं समझता हूँ कि जो सिक्स क्लास की बच्ची अभी परफॉर्म करके गई, जिसने इतना खूबसूरत गाना गाया उससे पहले, सो ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो इश्मीत सिंह म्यूज़िक अकेडमी जो बच्चों को दे रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ, ये एक बागबान है डॉक्टर साहब, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, और ये आगे चल के बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर। ते एनिया मैंने घट देखिया, बट जिन्हिया देखी एनिया सोहनिया सोहनिया परफॉर्मेंसेज देखिया। मेरे लग रहा है अगली बार जब आऊँगी ना, मैं भी जज बन के दसूँगी। व्हेन आई केम टू द इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं इन्होंने उस वेले कहा कि मैं बेटी नू ए सिखाना है। तो ही सेड कि ये तुसी नहीं डिसाइड कर दे कि बच्चे ने की सीखना है, लेट हर गो अराउंड एंड वील सी वट शी लाइक्स द मोस्ट। तो जो उसने पिक किया हूँ तक शी इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग इट। टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द चिल्ड्रन, बट दे आर हैप्पी किड्स। जिहड़ा भी म्यूजिक नाल जुड़ जाता है, वह बस रब दे नाल जुड़न का एक रस्ता बन जाता है। सो वी आर सो ग्लैड, वी आर सो हैप्पी टू बी हेयर, एंड we all want to contribute towards this thing. Thank you, Dr. Saab. Thank you, everybody. Thank you.